ये लोग गंदम को नील में क्यों डाल रहे हैं? सतिया गए हैं। इस वक्त जबकि सब लोग गंदम की जमावरी की फिक्र में हैं, ये अमल अजीब है। आली जनाब और अबहूब शर्फ बारिया भी चाहते हैं। अपनी बेवक्त आमद पर माजरत ख्वाह हूं। लंगरगाह के मामूरीन ने खबर दी है कि काहिना ने माबद गंदम को नील में डाल रहे हैं। मैंने सोचा मुमकिन है ये खबर आपके लिए अहम हो। यकीनन अहम है, बल्कि बहुत ही अहम है। हाजिब मालिक मुशीर जनाब जजारसीफ को मेरे पास भेजो। लोगों को काहिना ने माबद के इस इकदाम का गवाह होना चाहिए। गोया जनाब जजारसीफ अच्छी तरह जानते थे कि उनकी पेशनगोई के तहक्कुक पाने का यही वक्त है। हाजिर खिदमत हूं जनाब फरमानरवा। अभी अभी जनाब हुरमहुम खबर लाए हैं कि काहिनान माबद की गंदम को दरिया नील में डाल रहे हैं। फौरन चंद अफराद के साथ दिप्स के लंगरगाह जाइए ताकि वो इस माजरे के यानी शाहिद रहे। ये बेहतरीन मौका है। चाहते हैं कि लोगों को मालूम हो कि अरबाब माबद लोगों की मेहनतों को कैसे बर्बाद कर रहे हैं। पेशिन गोई जनाब यजारसीफ कितनी सच साबित हुई है। मालिक चल दीजिए, अब देखना है कि क्या करते हो। ए, ये क्या हो रहा है? तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? गंदम नील में क्यों फेंक रहे हो? तुम लोग अवाम के हमदर्द हो या अवाम के दुश्मन हो? मिस्र को तवील कैद का सामना है। वाय हो हम पर, आज तो बड़े बुरे फंसे। अब तो समझो इज्जत गई। अब तो अमून ही हम पर रहम करे। जनाब यजारसीफ ने जो पेशन गोई की थी वो सच साबित हुई। चलो जल्दी चलो कि अब मुझ में इनकी सवाल या निगाहों की ताब नहीं। जल्दी चलो। गंदम तो बिल्कुल खराब हो चुकी है। इस सारी गंदम को तो घुन लगा हुआ है। इस बहरान के आलम में आप लोग आवाम की मेहनतों को क्यों जाया कर रहे हैं? गोदामों में जखीरा करदा तमाम गंदम खराब हो चुकी है और अब ये उसे जाया करने पर मजबूर हैं। अलबत्ता लोगों के खौफ से रात की तारीकी में खुफिया तौर पर कार्रवाई की जा रही है। गंदम को मुलाहिजा कीजिए।
क्या काहिनान माबत को अवाम का खादिम नहीं होना चाहिए? देखिए ये है खिदमत के मानी, ये गंदुम कहत के जमाने में कितने लोगों की निजात का सामान करेगी, ये गंदुम कितने ही काश्तकारों की मेहनतों का समर है और वो इसके हुसूल के लिए कितनी जहमतों से गुजरे होंगे। यह है दुरुस्त और महफूज जखीरा साजी से लाइल्मी का नतीजा। माबदे आमून के काहिनान बजाय इसके के आवाम की और कहत से निजात की फिक्र में होते सिर्फ अपने पेटों को भरने और लोगों की मेहनतों को जाया करने में लगे हैं। एक बार फिर जिल्लत रसवाई, ताबीर ख्वाब वाले किस्से के बाद ये दूसरी बार है कि रुदासी माबद आमून की जिल्लत और रसवाई का बाइस बना है। आपको मालूम है माबद के गंदम के जखायर पर जो आफत आई है वो माबद पर लोगों के अतकात को किस कदर मुतजलजल कर देगा? ये एक जंग है, अगर युजार सीफ से भी ये गलती सरजद हुई होती तो हम भी उसे हरगिज माफ नहीं करते। आफरीन सदा आफरीन, अच्छे नुक्ते की तरफ इशारा किया है। युजार सीफ को भी तो उसी नुकसान का सामना हुआ होगा जो हमें दरपेश है। मैंने अब भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। लोगों से कहें कि अगर माबद को गंदम की जखीरा अंदोजी में नाकामी हुई है तो भला युजार सिर्फ कैसे कामयाब हो सकता है? अगर माबद के गंदम के जखायर 5 साल की मुद्दत में खराब हो गए तो 7 साल में तो उनके जखायर को मजीद खराब हो जाना चाहिए। अगर जखीरा साजी गलत साबित हुई है तो फिर युजार सिर्फ वही गलती क्यों कर रहा है? इस तरह तो युजार सीफ ने जिस तीर से हमारा निशाना लिया है उस तीर से हम उसका निशाना भी ले सकते हैं। अवाम की कसीर तादाद वहाँ जमा हो गई है और माबद की इस नाअहली पर नहायत मुश्तइल है और काहिनों को काश्तकारों और मेहनत कशों की मेहनतों को बर्बाद करने का जिम्मेदार समझ रहे हैं। अगर हम हाइल ना हो जाते तो शायद वो लोग काहिनों पर टूट ही पड़ते। वो तो जाहिर है, अवाम अपनी मेहनतों को युड़ाएगा होते नहीं देख सकती। फिलवक्त गंदम बहुत अहमियत की हामिल है। आप लोग अवाम को माबद आमून के खिलाफ भड़का कर खुश हो रहे हैं। हाँ तो क्यों खुश ना हो, आमून हमारा दुश्मन है। जाहिर है कि दुश्मन की शिकस्त से हमें खुशी ही होगी। 3000 साल से मर्दमे मिस्र आमून की परस्तिश कर रहे हैं। बहुत सो ने चाहा कि आमून को उसके मकाम और मंजिलत से गिरा दें लेकिन कामयाब ना हो सके। तुम भी नहीं हो सकोगे। मोहतरम बानोती, अवाम बहुत मुश्तइल है और माबद की जखीरा अंदोजी पर एतराज कर रही है। और ये भी अर्ज कर दूं कि यही एतराज काहिना ने माबद की जानिब से युजार सीफ की जखीरा साजी पर भी किया जा रहा है। अवाम की जानिब से भी ये सवाल उठाया जा सकता है। मैंने पहले भी ये सवाल युजार सीफ के सामने रखा था। मुझे यकीन है कि वो जो उमूर भी अंजाम देते हैं उसके लिए ठोस जवाब रखते हैं। हमें ये देखना होगा कि जनाब युजार सीफ ने दानिस्ता लोगों को गंदम जमा करने का मशवरा क्यों दिया और अब वो लोगों के इन सवालों का क्या जवाब देते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि युजार सीफ कभी कोई गलती नहीं कर सकता, वो अपने हर अमल का जवाब रखता है। ये नामुमकिन है। तो क्या युजार सीफ ने जो गंदम जखीरा की है वो अब तक खराब नहीं हुई है? मालूम नहीं, और मेरे लिए ये बात कोई खास अहमियत नहीं रखती। मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि युजार सीफ तिप्स आया या नहीं, उसकी कोई खबर नहीं मिली। नहीं बानो, अब तक हमें कोई खबर नहीं मिली। अभी तक तो वो तिप्स वापस नहीं आए बानो। कहीं ऐसा ना हो कि वो तिप्स आए और मैं यूं ही बेखबर रह जाऊं। आप परेशान मत हो बानो, यकीनन वो टिप्स आएंगे तो हमें जरूर खबर हो जाएगी और हम आपको फौरन खबर कर देंगे। यकीन रखिए, हम पर यकीन रखिए बानो, मुतमईन रहिए। मैं युजार सीफ से वालेहाना मोहब्बत करती हूँ, उसे देखने के लिए पल पल गिन रही हूँ। मुझे उसे मिलना है।
तो आप मेम्फिस के सफर का इरादा रखते हैं? अगर जनाब फरमारवा इजाजत फरमाए। हमें जनाब युजार सीफ की बहुत याद आ रही है, उन्हें तिब्स के तमाम अहवाल बताइएगा और हमारा पैगाम दीजिएगा कि फौरन तिब्स वापस आ जाएं। जी हाँ नहाय ज़रूरी अमर, कहिएगा कि जनाब फरमारवा ने उन्हें याद फरमाया है, लिहाजा फौरन तिब्स वापस आ जाएं। इताअत आली जनाब। युजार सीफ इतने सारे गोदाम तामीर करने के बजाय सिर्फ एक गोदाम भी बना सकता था और साफ सुथरा गंदम को जो यकीनन कम जगह घेरती जखीरा कर लेता और यूं हमारी आवाम के सरमाए को इस तरह बर्बाद तो ना करता। मैं क्या कहूँ, जनाबी युजार सीफ आ गए हैं, खुद उन्हीं से पूछ लें। सलाम बर नबी खुदा। दरूद खुदावंद हो नीमी साहब पर, दरूद खुदावंद हो आप पर भी। क्या हुआ जनाब काहिन, गंदम जमा कराने आए हैं? नहीं नहीं आली जनाब, आए हैं कि जंजाल बर्पा करें। फरमा रहे हैं कि इतने सारे गोदाम क्यों तामीर किए गए हैं, गंदम के लिए एक गोदाम काफ़ी होता है। दुरुस्त कह रहे हैं, हम इतने सारे गोदामों की जगह सिर्फ एक गोदाम को जखीरा साजी के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उस सूरत में हम भी काहिन आज़म माहू और माबत की गंदम पर वारिद होने वाली मुसीबत में गिरफ्तार न हो जाते। जी हाँ, वो राज जो मैंने 5 साल से किसी से बयान नहीं किया था यही है, वो राज जो मेरे खुदा ने मुझे बताया है। यानी हम भी खुशो समेत गंदम को जखीरा कर सकते हैं? सब कर सकते हैं, बशर्त यह कि गोदाम तामीर करने और गंदम की जखीरा साजी के लिए इतना वक्त मयसर हो। तो आप जानते थे कि आपको अपना ये राज कब अफशा करना है? आप काफ़ी समझदार मालूम होते हैं, मुझे साहिब सरवत हजरात और काहिनों के सोए इस्तफादे की राहों को मजदूत करना था। मेरे खुदा ने मुझे मर्द में मिस्र को इस कहत से निजात दिलाने पर मामूर किया है। अगर सब जान जाते कि गंदम की महफूज जखीरा साजी कैसे की जाए तो इस वक्त तिब्स के तमाम गोदाम गंदम से भरे हुए होते। चलो यहां से। दरूद बर पयाम्बर खुदा। तुम पर भी खुदा के दरूद हो। और तिब्स की क्या खबर है मालिक? वहां सब ठीक है आली जनाब, अलबत्ता काहिनान आपसे बेइंतहा नाला हैं। जनाब अख़नातून और बानो आपसे फौरी मुलाकात के ख्वाहां हैं और उन्होंने ताकीद फरमाई है कि फौरन से पेशतर तिब्स के लिए रवाना हो जाइए। अच्छी बात है नीमी साहब, तुम फौरन तिब्स के लिए रवाना हो जाओ और हमसे पहले वहां पहुंचकर उन्हें हमारी आमद की खबर करो। इताअत आली जनाब। गालिबन कोई बहुत ही खास काम है जो यूं फौरी तलब किया है। जनाबे रोदामुन। नीमी साबू, तुम्हें तो युजार सीफ के पास मेम्फिस में होना चाहिए था। जी हाँ जनाब। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं ही आया हूँ ताकि जनाबे अख़नातून को जनाबे युजार सीफ की तिब्स आमद की खबर करूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ लंगरगाह की निगहदारी और हिफाजत पर मामूर हूँ। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। फिलहाल मैं सर जल्दी में हूँ, जनाब युजार सीफ बस टिप्स पहुंचने ही वाले हैं। आपसे बहुत सारी बातें करनी है, मैं अभी वापस आता हूं। बोरोमोरियास, फौरन कस से पुतिफार जाओ और मेरी जानिब से बानो जुलेखा से कहो कि वो जिसकी शिद्दत से मुंतजर हैं वो आज टिप्स पहुंच रहे हैं।
कहाँ चली बानो? क्या सुना नहीं? युजार सिर्फ तिरस आ रहा है नील के रास्ते। मैं उसे चाहती हूँ और जुलेखा अपनी चाह से दस्तबरदार होने वाली नहीं। इस सिपाही को इनाम देना मत भूलिए। इस हुलिये में आपका बाहर जाना मुनासिब नहीं, आपके लिए मायूब है। सिपास गुजार हूँ। तामा, यामिनी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये बाला पोश लेकर उनके पीछे जाओ, जाओ जल्दी। मुशीर खास साहिब मकाम जरी। वो मुअब्बर आजम युजार सीफ हैं। हाँ वही है, और मर्दम मिस्र के रोजी रसा। दोष पे सवार नहीं हुए। जाहिर है कि वो लोगों के कांधों पर से बोझ कम करने के लिए आए हैं, ना कि उनके कांधों पर अपना बोझ बढ़ाने के लिए। युजार सिर्फ से क्यों मिलना चाहती हैं? क्या आप उनसे मिलकर अपनी वालेहाना मोहब्बत का इजहार करना चाहती हैं? आप क्या समझती हैं कि वो आपको कोई अहमियत देंगे? वो इस वक्त एक साहिब इक्तदार और खूबरू जवान हैं, लेकिन आप क्या हैं? कभी आपने खुद को आईने में भी देखा है बानो हुजूर? मुझे देखते ही हकार से मुंह मोड़ लेगा। मेरी इस बदसूरती और बुढ़ापे का मजाक उड़ाएगा। ये देखो,
जुलेखा की हालत कैसी हो गई है? हाँ हाँ, वही जो कल तक तख्ते रवां पर बैठकर टिप्स के रास्तों से गुजरा करती थी। देखा इश्क ने इनकी क्या हालत कर दी है। नहीं, मेरा यूज़र सिर्फ ऐसा नहीं है। वो कभी मुझे हकारत की निगाह से नहीं देखेगा। कुछ भी हो मैं उसे मिलने जरूर जाऊंगी, लेकिन नहीं, मुझ पर उसकी नजर नहीं पड़नी चाहिए। मुझे खुद को आईने में देखना है। देखो तो क्या मैं वही सुलेखा हूँ? मुझे खुद को आईने में देखना है।